हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम। कहते हैं आप एक बार फिर स्वागत अपने चैनल हेल्थी एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन के बारे में, मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप्स के बारे में। इसके क्या यूज हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके क्या प्राइस है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई हम तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं जो मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन है, इसमें जिसकी मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड वैल्यू है इसकी 0.5% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, आखिर इसका यूज कब किया जाता है। फ्रेंड्स, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स है। इसका यूज हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो भी आंखों में दिक्कत आई है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आंखों में बहुत ज्यादा लालिमा है या रेडनेस बहुत ज्यादा, मतलब लाल हो रही है, और लाल होने का एक रीजन और भी हो सकता है फ्रेंड, स्ट्रेस की वजह से भी आंखें कभी कभी लाल होने लगती हैं, या फिर आंखों में जो धूप वगैरह लग जाए ज्यादा तो उस टाइम पर भी आंखें लाल होने लगती हैं, या फिर कोई चमक लग जाए आंखों में तो उस टाइम पर भी आंखें लाल होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका यूज हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आंखों में बहुत ज्यादा रेडनेस है, या फिर आंखें चिपक रही हैं, या फिर कीचड़ वाली आंखें हैं, तो उस टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आंखें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मतलब स्वेलिंग आ गई आंखों में, तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, कंजेक्टिवाइटिस मतलब जो कंजेक्टिवाइटिस एक रोग होता है आंखों का, तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जा सकता है। काफी बेस्ट यूज है, रिजल्ट भी काफी बेस्ट मिल जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बेस्ट मिल जाता है रिजल्ट। आप कंजेक्टिवाइटिस के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, आंखें बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ आने की समस्या रहती है, और आंखें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं। तो कंजेक्टिवाइटिस भी एक बीमारी है आंखों की, उसको भी ठीक करने में काफी बेस्ट है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही वो आंखें लाल होती है, मतलब कंजेक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसको मतलब खत्म करने में, या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, या फिर बैक्टीरिया को किलिंग करने मतलब मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिजल्ट बहुत बेस्ट मिल जाता है फ्रेंड्स, काफी बेस्ट है। मैंने कई पेशेंट में इसे अप्लाई किया तो काफी अच्छा रिजल्ट आया फ्रेंड। तो ये तो फ्रेंड्स इसके यूज थे, मतलब आंखों की हर प्रकार की समस्या, मतलब अगर आंखों में ईचिंग वगैरह भी हो रही है और स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा रेडनेस है, तो उस टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो साइड इफेक्ट है इसका, लगभग आपको आंखों में बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगेगी, उसको उल्टा करने लगता है, फायदे की जगह उल्टा करने लगता है, बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगेगी, रेडनेस हो जाएगी, आंखें लाल पड़ जाएंगी फ्रेंड्स। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज इसको अवॉइड कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन ना ले फ्रेंड्स, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और इसके एक और मतलब बता दूं, इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप 15 से 20 दिन के अंदर इसे डाल लें, और फ्रेंड्स इसकी जो नोजल होती है, टिप जहां से मतलब ड्रॉप निकलती है, मतलब इसका मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन की जो बूंदे निकलती है, तो उसको टिप को नहीं छूना है आपको, क्योंकि उसे छूने से फ्रेंड क्या होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारे हाथों में होते हैं तो वो उस जगह पर लग जाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है सॉल्यूशन इसके अंदर का, तो प्लीज उसे टिप को बिल्कुल भी ना छूएं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में, आखिर इसको डालना कैसे। तो डालने का फ्रेंड्स बहुत अच्छा तरीका है, तो आप सुबह शाम इसको डालिएगा दो दो बूंद, और रात को सोते टाइम आप डाल सकते हैं फ्रेंड, तीन बार भी दिन में डाल सकते हैं, लेकिन दो बार ज्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। ये तो इसके यूजेस हो गए, साइड इफेक्ट हो गए, डोजेस फॉर्म हो गए, अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं लास्ट में, इसका प्राइस कितना है। तो आपको मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन एक फ्रेंड कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये एक साल्ट नेम है, तो इसके बहुत सारे आते हैं, मॉक्सी आईआर, मॉक्सी वगैरह आते हैं, और मॉक्स आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसके नाम से आप डायरेक्ट अगर आप कहते हैं मेडिकल में जाके कि मुझे मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप दे दीजिएगा, तो कोई ना कोई मेडिकल वाला आपको ये ड्रॉप आपको कोई सा भी दे देगा, इसमें साल्ट हमेशा मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन ही होगा, ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसका जो लगभग अच्छा क्वालिटी का लेंगे आप, तो 80 से 85 रुपए के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, इसका भी प्राइस 81 रुपये पे, तो किसी मेडिकल स्टोर पे आपको 80 से 85 रुपए में अच्छी क्वालिटी का ये मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ओनली आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, वायरल के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं और आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो सच्चे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जो सब्सक्राइब करना होता है, आप वीडियो वॉच करते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, हम मोटिवेट हो जाते हैं, काफ़ी आगे को भी वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा दिल लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।